हेलो भाई, हमारे आई एम देव एंड होप यू ऑल्सो डूइंग वेल। वेलकम टू बीगल 24 चैनल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि TVS राइडर हमें क्यों नहीं खरीदनी चाहिए, यानी कि जो दोस्त TVS राइडर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो TVS राइडर को खरीद लें, तो वो TVS राइडर को खरीदें ना खरीदें वो कैसे डिसाइड करेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं यही बताऊंगा आपको कि TVS राइडर किन को खरीदनी चाहिए और किन लोगों को नहीं खरीदनी चाहिए, यानी कि ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपको रेसिंग के लिए बाइक चाहिए, आपको सिंगल ड्राइविंग के लिए बाइक चाहिए, आपको फैमिली राइडिंग के लिए बाइक चाहिए, या आपको लॉन्ग टूर के लिए बाइक चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हमें इस बाइक को किस ऑब्जेक्ट के लिए खरीदना चाहिए और इस बाइक को हमें किस फील्ड में हमें यूज करना है, इसलिए नहीं खरीदना चाहिए। यानी किसी को 2 किलोमीटर रास्ता डेली ट्रैवल करना है, किसी को 30 किलोमीटर का रास्ता डेली ट्रैवल करना है, और किसी को लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि टूर पर जाना है जिसमें कि आप 1000 किलोमीटर गाड़ी चलाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस सब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे, और हाँ, वीडियो को लाइक से जरूर करें। तो दोस्तों, TVS राइडर के बारे में बात करें तो ये एक स्पोर्टी बाइक है, यानी कि इसकी जो डिज़ाइन की गई है वो स्पोर्टी लुक में की गई है, और स्पोर्टी लुक का मतलब हो गया कि ये बाइक जो है वो यंग जनरेशन को ध्यान में रख करके की गई है। तो आप गाड़ी क्यों नहीं खरीदें? यदि आप गाड़ी को केवल स्कूल पर्पज़ के लिए, कॉलेज पर्पज़ के लिए चाहते हो तो आप गाड़ी खरीद सकते हो, लेकिन यदि आप सोच रहे हो कि मैं फैमिली पर्पज़ के लिए बाइक ले लूँ इसको, तो आप बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि ये बाइक फैमिली पर्पज़ के लिए नहीं है। ना ही इतना इसमें अच्छा एवरेज है कि आप फैमिली में हर समय ज़रूरत पड़ती है, तो उस तरह से इसको आपको मनी ज़्यादा वेस्ट होगा और मनी सेव नहीं कर पाओगे, क्योंकि पता ही है वैसे भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है पेट्रोल की। तो उस तरह से यदि आप को लोडिंग के लिए बाइक चाहिए, यानी कि आपको अपने घरेलू के रोज़मर्रा के काम करने, यानी कि कह सकते हो आप खेती के लिए चाहिए या दुकान के लिए चाहिए, जहाँ पर कि आपको सामान का बेट इधर से उधर ले जाना है, तो उसके पर्पज़ से भी ये बाइक नहीं है। उसके पर्पज़ के लिए आपको दूसरी बाइक बताऊँगा मैं अगले वीडियो में, वो बाइक ले सकते हो। हाँ, यदि आपको फैमिली के लिए बाइक चाहिए ये, तब भी आप नहीं लें, क्योंकि फैमिली में 2 लोग होते हैं और बच्चा साथ में होता है, तो फिर उस पर एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा, तो फैमिली वाले भी इस बाइक से दूर रहे तो ये अच्छा है। तो दोस्तों, इस तरह से आप समझोगे कि एक तरह से ये यंग जनरेशन को ध्यान में की गई है, तो यदि आप घरेलू कामों के लिए बाइक देख रहे हो तो ये आपके लिए सूटेबल नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएँ, जिससे कि आपको